देखिए प्रधानमंत्री जी हर दिशा में हर क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। आज रेलवे के क्षेत्र में भी देश में तो अनेकों वंदे भारत नाम का रेलवे का प्रचालन उन्होंने किया है, लेकिन आज गया के लिए बिहार के लिए स्वर्णिम समय है कि तीन दिन वंदे भारत रेलवे आज गया से गुजर रही है। एक रेलवे तो गया से हावड़ा ही जा रही है, इससे बहुत सुविधा लोगों को होगी। तीव्र गति से लोग जाएंगे, आसान से जाएंगे, टाटा से पटना, फिर और एक जगह और से है, मुगलसराय से भी जाती है। तो इस तरह से गया रेलवे स्टेशन जो आधुनिकीकरण इसका हो रहा है, जुलाई 2025 में कंप्लीट होना होगा, तो उसके पहले यहाँ रेलवे के परिचालन से इतना उन्होंने सुसज्जित कर दिया है कि सचमुच में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की अनुभूति हम लोग करेंगे। तो इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे तो हर क्षेत्र की बात गिनाना बेकार बात है, अभी रेलवे के ही बारे में कहेंगे। और रेलवे की महत्ता और बढ़ जाती है कि जब उन्होंने बोधगया और विष्णुपथ कॉरिडोर की भी स्थापना की बात कर दी है, और शायद भुवनेश्वर और कलकत्ता की जो गाड़ियां एक्सप्रेस वे जा रही है और फिर अन्य एक्सप्रेस वे भी गुजर रही है अगल बगल से, उसमें गया को एक इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी डेवलप करने की बात की है। ये सबसे यही लगता है कि ये जो वंदे भारत है इसकी बड़ी उपयोगिता बढ़ जाएगी, बहुत लोग आना जाना शुरू कर देंगे, पर्यटन क्षेत्र में भी हमारा बिहार का गया बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बार बार ये डबल इंजन की सरकार यहाँ है, नीतीश जी का भी इसमें योगदान है और नरेंद्र मोदी जी का तो कहना ही क्या है। तो डबल इंजन की सरकार डबल इंजन के ताकत के रूप में यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को देते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है हमको पता नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जो विपक्ष का नेता हैं, वो विदेशों में जा करके हिंदुस्तान के बारे में बहुत तरह की बात बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं, बिहार भारत में रह करके पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। और घर के भेदिया लंका डाहे वाली बात होती है, घर का भेद बाहर कभी नहीं कहना चाहिए, कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए राहुल जी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं।